कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने आला अधिकारियों के साथ नैनीताल के भवाली क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सैनिटोरियम तिरछा खेत और सैनिटोरियम से भवाली 7.5 किलोमीटर नवनिर्माणधीन बाईपास को देखा। इस दौरान उन्होंने अब तक किए गए कार्यों की भौतिक प्रगति की विस्तृत रूप से जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कमिश्नर दीपक रावत ने निरीक्षण के दौरान कटिंग के शेष कार्य को 2 महीने में पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आगामी सीजन के दौरान सैनिटोरियम से तिरछा खेत के बाईपास मार्ग को यातायात के लिए प्रयोग में लाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस बाईपास बनने से जहां भवाली बाजार क्षेत्र में यातायात का दबाव कम होगा, वहीं पर्यटकों को सुगम यातायात सुविधा मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बाईपास का निर्माण में समय, बद्धता और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। पे जो दबाव रहता है और ट्रैफिक सीजन में जो दबाव रहता है यहाँ पे, जैम लगता है, उससे एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और इसमें लगभग 7.5 किलोमीटर की लेंथ में ये बनना है, जिसमें लगभग 2.5 किलोमीटर में कटिंग अभी बाकी है तिरछा खेत वाले पोर्शन। तो मैंने अभी इंस्ट्रक्शन यही दिए हैं कि इसमें 2 महीने के अंदर इस कटिंग के काम को पूरा करें। और जो इसका पोर्शन खैरना हाईवे पे जुड़ेगा, उसमें एक बड़ा ब्रिज बनना है सर। इसका भी एस्टिमेट शासन को भेजा हुआ है पहले से, तो इसमें गवर्नमेंट से हम इसमें रिक्वेस्ट करेंगे जल्दी इसको सैंक्शन कर दें।